नमस्कार दोस्तों, मैं रामू कुमार यादव एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं फिर और प्रैक्टिस सेट तीसरा स्टार्ट कर दिया हूँ और तीसरा प्रैक्टिस सेट हमारा रहेगा। इसमें भी 100 प्रश्न होंगे और 100 प्रश्न को हम पार्ट 20-20 प्रश्नों की श्रेणी बनाकर 5 वीडियो बनाऊंगा और 5 से 7 मिनट का वीडियो होगा। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और जो भी वीडियो मैं बना रहा हूं उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। छोटा छोटा वीडियो होगा, सिर्फ आपको 5 से 7 मिनट में 20 प्रश्न ऐसे मिलेंगे जो जूनियर भर्ती सुपर टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए दोस्त, हम सीधे प्रश्नों पर चलते हैं। प्रश्न नंबर पहला क्या कह रहा है उस पर हम सीधे बात करते हैं। तब प्रश्न नंबर पहला कह रहा है कि अबहु नशानी अब नशहु किसकी काव्य पंक्ति है। तो यह किसकी काव्य पंक्ति है? तो ये जो पंक्ति है ऑप्शन पहला का बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर पहला का तुलसीदास की ये पंक्ति है। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि ब्रजभाषा काव्य की बृहत्त्रयी में किसे शामिल नहीं किया जाता है। बृहत्त्रयी के अंतर्गत किसे इसमें से नहीं शामिल किया जाता है? तो दूसरा का जो है रामचरित उपाध्याय को इसका इसमें नहीं शामिल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दूसरा का। तीसरा प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है? तीसरा प्रश्न कह रहा है कि गीत फरोश नाम से अपना प्रथम काव्य संग्रह किसने रचा है। गीत फरोश नाम से ठीक अपना प्रथम काव्य संग्रह किसने रचा है? तो तीसरा का जो सही होगा वह भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं, इन्होंने ही रचा है। तो तीसरा का बी सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न, चार डंग हमने भरा तो क्या किया। निम्नलिखित में से यह काव्य पंक्ति किसकी है? तो यह जो पंक्ति अगर हम बात करें तो यह हरिऔध जी की है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा चौथा का। प्रश्न नंबर अब चलते हैं हम पांचवा पर। प्रश्न नंबर पांचवा क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर पांचवा कह रहा है कि प्रताप नारायण मिश्र निम्नलिखित निबंधों में से किसे लिखा है। तो इसमें से कौन सी प्रताप नारायण मिश्र ने लिखा है? तो पांचवा का जो विकल्प होगा सही वो बात को इन्होंने लिखा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर छठवां पर चलते हैं। प्रश्न नंबर छठवां क्या कह रहा है कि विद्यापति इनमें से किस रचना के आधार पर मैथिल कोकिल कहलाते हैं? तो विद्यापति को पदावली की रचना पर मैथिल कोकिल कहा जाता है। ठीक, मैथिली भाषा में पदावली का रचना किया है। ठीक, आदिकाल की एक कवि है। छठवां का एक सही हो जाएगा। सातवां है मजदूरी और प्रेम शीर्षक निबंध के लेखक की एक रचना है। जो ये मजदूरी और प्रेम शीर्षक की एक रचना कौन है, लेखक की एक रचना है, मतलब इसकी ही रचना, ये दोनों रचनाएं ही हैं। सातवां का जो सही होगा वो होगा आचरण की सभ्यता। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा सातवां का। आप चलते हैं प्रश्न नंबर आठवां पर। प्रश्न नंबर आठवां कह रहा है क्या? प्रश्न नंबर आठवां कह रहा है कि भाषा निबंध मति मंजुल मात नोती किस कवि द्वारा रचित श्लोक का अंश है। किस कवि द्वारा यह रचित श्लोक का अंश है? तो यह है तुलसीदास द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भाषा निबंध मति मंजुल मात नोक्ति, ठीक, आठवां का सी। अब चलते हैं प्रश्न नंबर नौवां पर। प्रश्न नंबर नौवां कह रहा है कि प्रसिद्ध समीक्षक रमेश कुंतल मेघ को उनकी किस कृति के लिए वर्ष 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो नवा का जो विकल्प सही होगा वो होगा विश्वमिथकसरित सागर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये नवा का। इनको 2017 में इसी रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तब प्रश्न नंबर नवा हो गया। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। प्रश्न नंबर 10वां क्या कह रहा है कि लघु मानव की धारणा किसकी प्रवृत्तिगत विशेषता है? लघु मानव की धारणा, तो दसवां का जो सही होगा वो होगा नई कविता की है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, यह कथन किसने कहा है? तो ये जो कथन है वह
हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 11 का। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 12 पर। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि समानांतर कहानी के प्रवर्तक है, समानांतर कहानी के प्रवर्तक कौन है? तो समानांतर कहानी के प्रवर्तक जो है कमलेश्वर है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 12 का। 13 का कह रहा है कि जायसी नामक समीक्षा कृति के लेखक हैं, जायसी नामक समीक्षा कृति के लेखक कौन है? तो 13 का जो सही होगा वो होगा विजय देव नारायण शाही, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 13 का। ठीक, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 14 पर। प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि हिंदी भाषा की मासिक पत्रिका वागर्थ कहाँ से प्रकाशित होती थी? वागर्थ जो पत्रिका थी, हिंदी भाषा की मासिक पत्रिका थी, वो कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो यह होती थी कलकत्ता से, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 14 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 15। ठीक, प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है? द्वैतवाद किस आचार्य द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय है? तो द्वैतवाद है वह मध्वाचार्य द्वारा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 15 का। चौथा, छठवां, सोलहवां क्या कह रहा है कि पंच पांडव चरित रास के रचयिता कौन है? तो सोरा जो है वह उसके रचयिता शालिभद्र सूरी हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 16 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है कि वीरता जब भागती है तो अपने पीछे राजनीति के छल छिद्र की धूल उड़ाती है, उपयुक्त कथन प्रसाद के किस नाटक का है? तो ये जो कथन जो है किस नाटक का है? तो 17 का जो चौथा ध्रुव स्वामी का है, जो जयशंकर प्रसाद का नाम है, उससे संबंधित यह है। तो ऑप्शन नंबर चौथा 17 का सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 18 पर। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि इनमें से कौन सा कवि नकेनवाद से जुड़ा है? कौन सा कवि इसमें से नकेनवाद से जुड़ा है? तो वह है केसरी कुमार जी, नकेनवाद से संबंधित है, 18 का पहला सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 19वां। 19वां कह रहा है कि अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक हैं, अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक जो हैं वह सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा यह रचना है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 19 का। अब चलते हैं 20वां प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। इसके बाद जो है हमारा अगले पार्ट में जो 20 प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो 20वां प्रश्न क्या कह रहा है कि वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, यह प्रसिद्ध काव्य पंक्ति निम्न किस कवि द्वारा है? तो ये जो प्रसिद्ध पंक्ति है वह है किसके द्वारा है? मैथिली शरण गुप्त। ठीक, इनको राष्ट्रकवि का उपाधि भी दिया जाता है, मैथिली शरण गुप्त को। ठीक, तो 20वां का 20 सही हो जाएगा। तो ये था हमारे 20 प्रश्नों की सीरीज। अगर ये वीडियो या प्रयास हमारा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करें हमारे चैनल को। तो चलिए दोस्त, वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।